बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के मौत के बाद अब एक और खुलासा हुआ है। खुलासे में पाया गया कि सुशांत सिंह के मौत के पीछे की वजह लव लाइफ प्रॉब्लम्स थी। यह हैरान कर देने वाला खुलासा मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया है। मुकेश छाबड़ा सुशांत के ना सिर्फ बेहद करीबी दोस्त थे बल्कि दोनों के बीच भाई जैसा गहरा रिश्ता था। गौरतलब है कि मुकेश छाबड़ा के बयान को देखते हुए ये कहना गलत होगा कि सुशांत ने अपने करियर की वजह से सुसाइड की थी। दरअसल मुकेश ने अपने बयान में कहा कि सुशांत को फर्स्ट टाइम मैंने कास्ट किया था, हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, तो अगर सुशांत से उसकी 5-6 फिल्म छीनी जाती तो वो इस बारे में मुझसे जरूर बात करता। आगे मुकेश ने कहा कि वो अपने प्रोजेक्ट ड्रीम 150 को लेकर अपनी टीम के साथ भी काम कर रहा था। मुकेश के इस बयान के बाद से ही लोगों का शक सुशांत की लव लाइफ प्रॉब्लम्स पर जाके अटका है। बता दें, सुशांत के घर वालों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था और सुशांत ये शादी अपने घर वालों की खुशी के लिए कर रहे थे। सुशांत की सुसाइड से पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सलियन ने भी आत्महत्या कर ली थी। वहीं दोस्तों के बयान में सामने आया था कि उनके मंगेतर के साथ सुशांत का झगड़ा चल रहा था। साथ ही उनके साथ लंबे समय तक साथ रही अंकिता लोखंडे ने भी सगाई कर ली थी। इतना ही नहीं, मुकेश ने पुलिस को अपना बयान दर्ज करते हुए बताया कि उन्होंने सुशांत को 27 मई को बर्थडे विश किया था, जिसके बाद उन्होंने सुशांत से उनका हाल पूछा। मुकेश ने बताया कि जवाबी मैसेज में सुशांत ने लिखा, आई एम नॉट वेल। मुकेश ने सुशांत की परेशानी के बारे में और जानना चाहा तो सुशांत ने कहा कि वो ठीक हैं और वो जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। बताते चले, रिया चक्रवर्ती जो कि इस पूरे लॉकडाउन में उनके साथ उनके फ्लैट में ही रुकी थी, वो सुशांत सिंह की बेहद करीबी मानी जा रही हैं, जिसके बाद अब पुलिस को रिया के बयान से काफी उम्मीदें भी हैं। बहरहाल, इस पूरे मामले पर रिया और सुशांत के बाकी सभी करीबियों का क्या बयान सामने आएगा, ये सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अर्पण न्यूज को, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।